यूक्रेन के बहाने महायुद्ध फिक्स होता दिख रहा है। बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन दोनों के आक्रामक बयानों से जाहिर होता है कि बात बिगड़ती जा रही है। रूस के करीब 2 लाख की सेना बॉर्डर पर पुतिन के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। यूएस प्रेसिडेंट ने जोर देकर कहा कि अगर युद्ध हुआ तो रूस जिम्मेदार होगा। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने भी वार्निंग दी है कि दुनिया विध्वंस की ओर बढ़ रही है। सवाल यह है कि अगले कुछ घंटों में हालात किस तरफ जाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में देखें, क्या विश्व विनाश के मुहाने की तरफ जा रहा है? क्या कीव के बहाने प्रेसिडेंट पुतिन रूस और अमेरिका के बीच महायुद्ध की प्रस्तावना लिख चुके हैं? क्या यूक्रेन पर विध्वंसक हमले की तैयारी हो गई है? ये डराने वाले सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े नेता ने खुफिया सूचना के आधार पर कीव में बारूदी कोहराम का दावा किया है। के दावे में दम है तो समझ लीजिए कि बारूदी विध्वंस की आशंका हकीकत के बेहद करीब है। जान लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि कीव पर रूसी कहर के डर को विस्तार देते हुए बाइडेन ने जो कहा वो और ज्यादा हाहाकारी है। बाइडेन ने कैसे 21वीं सदी के सबसे भीषण युद्ध की भविष्यवाणी की है ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,90,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। रूस की सेना लगातार